फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है इंडिपेंडेंस डे और आप सभी को हमारी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी ना टाइम पता कितना हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6, तो ये जो है बहुत जल्दी उड़ गया है। और तो अब हम आ गए हैं यहाँ छत पे कबूतरों को दाना देने के लिए। और इसको मैं छत पे भी लेके इसलिए आई हूँ क्योंकि हस्बैंड जो है वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर छत पे चलते हैं। नीचे जो है ना उनको परेशान कर रहा था, तो मैं इसको छत पे लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे जो है कबूतरों को दाना देते हैं और थोड़ी देर इसके उसको ना छत पे थोड़ी देर खिलाती हूँ, फिर ले जाऊंगी नीचे। चल तेजस, सुनो आज क्या है, बोलो वंदे मातरम। पहले बोलो आप, बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये क्या है तेजस की ट्रक? ये इसने ना कल दुकान से ट्रक खरीदी है अपने लिए, ये बहुत ज्यादा जिद कर रहा था तो इसके लिए ये ट्रक लेके आए हैं। और इसने रात को जो है ना इस ट्रक को अपने साथ ही सुला के रखा और इसलिए सुबह जल्दी भी उड़ गया इस ट्रक के लिए। तो चलो यहाँ पे जो है तेजस जो है कबूतरों को दाना देगा। चलो तेजस कबूतरों को दाना दे दो फटाफट से। कैसे देते हैं दाना बताओ, दे दो। देखो कितने सारे कबूतर, ऐसे दोगे ना थोड़ा थोड़ा सा? नहीं, मम्मा को इतना सा दे रहे हो। पहले बोल दो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स कर, कैसे हो बोलो। सबको बोल दो, बोल दो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बोल दो। चलो इंडिपेंडेंस डे बोलना तो नहीं आएगा अभी, वंदे मातरम बोल दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जा रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि जो है नीचे भी अब चाय पानी पीने जा रहे हैं। तो तेजस को ना दूध पीना है, वो उठते ही सबसे पहले दूध पीता है, तो उसको मैं दूध पिला के नहीं आई थी, सीधा छत पे लेके आ गई थी, अब वो दूध पीने के लिए जा रहा है। चलो तेजस, चलो बोलो आ जाओ। तेजू बोलो आ जाओ, बोलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलते हैं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आते ही मैं सबसे पहले आ गई हूँ यहाँ किचन में क्योंकि जो सुबह की चाय थी वो नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से जो है चाय पी लेते हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे दूध दे देती हूँ बच्चे को गर्म करके, क्योंकि वो छत पे भी जो है दूध दूध चिल्ला रहा था, तो फटाफट से उसको दूध दूंगी। और यहाँ पे जो है हमारे लिए चाय बनाऊंगी क्योंकि हमने भी जो सुबह की चाय थी वो नहीं पी थी। तो चलिए अब जो है सुबह की जो है चाय हो चुकी है, तो मैंने ना सुबह उठते ही ना यहाँ पे जो है कपड़े जो है सुबह ही भिगा दिए थे। सबसे पहले मैंने उठते ही सबसे पहले कपड़े भिगा दिए थे, तो उसके बाद ही मैं छत पे गई थी। तो यहाँ पे जो है कपड़े तो भीग चुके हैं क्योंकि मुझे छत पे ही पूरा 1 घंटा हो चुका है, मतलब उस बच्चे के साथ वहाँ पे खेलते, क्योंकि मुझे मालूम था वो नहीं आएगा, तो मैंने सोचा छुट्टी है तो आज उसको खिला ही लेते हैं वहाँ पे थोड़ी देर। तो यहाँ पे जो है मुझे कपड़े जो हैं वो भीग चुके हैं अच्छे से, तो मैंने सोचा इनको धो देती हूँ फटाफट से क्योंकि बाद में मौसम जो है चेंज हो जाता, बारिश आ जाती है, तो इस वजह से मैंने उठते ही सबसे पहले कपड़े धोए हैं। तो चलिए अब मैं कपड़ों को जो है छत पे सुखाने के लिए आ गई हूँ, मैंने छत पे ही कपड़े सुखाए हैं। नीचे बालकनी में अगर मैं इनको सुखाती ना तो सुबह से लेकर शाम हो जाती, तो ये वहाँ पे सूखते ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना इनको छत पे सुखा दूँगी। छत पे तो ये 2-3 घंटे में आराम से सूख जाएंगे, अगर मौसम अच्छा रहा तो 2-3 घंटे में ना अच्छे से सूख जाते हैं, अगर थोड़ी सी हल्की सी धूप होती है तो। आज तो वैसे भी धूप आ ही रही है, तो मेरे को लग भी रहा है कि जल्दी से सूख भी जाएंगे नीचे, तो अगर तेज धूप भी आए कुछ भी हो ना तो, लेकिन वहां पे तो सूखते ही नहीं है, वहां शाम तक ये मान के चलो 7-8 बजे तक बाहर ही रहते हैं, वहाँ पे सूखते ही नहीं है अच्छे से। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे सूख जाएंगे तो इनकी तवे लगा के ना इनको अच्छे से इनको पैक अलमारी में रख दो तो सही रहता है, वरना ये बाद में ना 7-8 बजे लेके आती हूँ तो बाहर ही पड़े रहते कपड़े, उस टाइम तक तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर मैं उसके अगले दिन उसकी फोल्ड करती हूँ। तो चलिए अब जो है यहाँ पे जो है मैंने, हम आगे हैं नीचे कपड़े सुखा के, तो यहाँ पे जो है मैंने ना ये वाला रूम जो है ना यहाँ पे जो है इसमें से बेड जो है बाहर निकाल दिया है। मैंने ये बेड जो है यहाँ से बाहर इसलिए निकाला है
क्योंकि ये तो मैं आपको ना मतलब थोड़ी देर में बताऊंगी कि मैंने ये बैट जो है बाहर क्यों निकाला है। तो उसके लिए जो है व्लॉग में देखना कि मैंने ये बैट क्यों निकाला है बाहर। मैंने आज ये वाला कमरा जो है पूरा खाली कर दिया है, तो यहाँ पे जो है कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि बेड के नीचे से बाप रे बाप इतना कूड़ा निकला बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तक ना हाथ नहीं पहुँच पाता था तो इस वजह से। तो चलिए अंदर जो है झाड़ू तो लग चुकी है, तो यहाँ पे मैंने जो है हस्बैंड ने मेरे को बोला कि मैंने मेरे जो शूज़ हैं वो तो आपने धोए नहीं, तो मैंने अरे मैंने कहा कि अरे हाँ मैंने जब कपड़े धोए थे मुझे मुझे तब याद ही नहीं रहा उनको धोना, तो मैंने यहाँ पे जो फटाफट से हस्बैंड के जो शूज़ हैं वो धो दिए, उनको मैं नीचे ही सुखा दूँगी, यहाँ पर वो सूख भी जाएँ तो सूख जाएंगे, अगर फिर बाद में ले जाऊंगी उनको छत पे अगर ऐसा हुआ तो। यहाँ पे तो अपने आप रहते हैं शूज़, तो अपने आप ही रहते हैं इधर ही नीचे। तो चलिए अब मैंने जो है जो फटाफट से शूज़ धो के तो यहाँ पे कपड़े भी धोए थे, तो वो जो ये बालकनी है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, यहाँ पे पानी पानी हो गया था। यहाँ पे ना क्या होता है कि मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ तो इधर का पानी भी जो है धोती हूँ ना, तो इधर मतलब पूरे पानी पानी हो जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको फटाफट से धो भी देती हूँ और बालकनी को। और ये बालकनी जो है ना वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो मैंने वहाँ पे जो है बालकनी साफ़ कर दी है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन जो है आप किचन में बर्तन हो रखे थे, आप कहोगे कि बर्तन किस चीज़ के हो रखे थे, तो यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं लेकिन फिर भी बर्तन हो गए थे सुबह चाय के और दूध के, और बच्चे को गिलास वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते, तो मैंने वही धोए। मैंने कहा इसको फटाफट से धो देती हूँ क्योंकि मेरे को किचन जो है वो भी धोनी है, उसके बाद जो है फिर मैं जाके फिर पोछा लगाऊंगी, तो मैंने सोचा पहले किचन धो देती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने ना आज किचन को ना सूखे कपड़े से ऐसे ही पोंछ दूंगी, और क्योंकि कल ही मैंने किचन जो है बहुत पूरी धोई थी, मैंने पूरे गैस वगैरह जो है वो कल मैंने उसी की पूरी धुलाई करी थी, तो आज मैंने जो है सूखे कपड़े से ही जो है किचन को पोंछ दूंगी। और यहाँ बच्चे के लिए जो है मैं गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको नहला देती हूँ, और उसको मैं गर्म पानी से ही नहलाती हूँ क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं इसलिए उसको गर्म पानी से ही नहला देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है बच्चे को नहला दिया है और किचन की जो सफाई है वो भी हो चुकी है। और तो यहाँ पे जो है अब मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगाया था, तो मैंने पहले किचन साफ़ करी थी, तो मैंने सोचा किचन साफ़ हो जाएगी तो उसके बाद ही जो है मैं पोछा लगाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे सारा काम जो है वो हो चुका है, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैंने आज गद्दे जो है ना सुबह ही छत पे सुखा दिए थे, वो जो है सूख चुके हैं क्योंकि आज धूप जो है अच्छी हो रखी थी, तो इसलिए मैंने गद्दे जो है छत पे सुखाए थे। तो मैं अब इनको जो है नीचे लेके आ चुकी हूँ क्योंकि ये अच्छे से सूख चुके हैं। तो मैंने अब यहाँ पे जो है बेडशीट जो है आज चेंज करी है, वो वाली बेडशीट जो है मैंने वो धो दी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई थी कि मैंने वो रूम खाली क्यों किया है, वो रूम इसलिए खाली किया क्योंकि आज जो है हस्बैंड का बर्थडे है, तो सोचा कि शाम को थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे, तो इस वजह से वो रूम खाली किया है। और बर्थडे वाला व्लॉग जो है वो कल आएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी, मैंने सोचा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।